दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में वाणिज्य विभाग के बीकॉम तृतीय एवं एमकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के विदाई समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वैसे तो विदाई शब्द ही व्यक्ति की संवेदना के उत्कर्ष तक पहुँचा देता है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, देशभक्ति गीत तथा मनमोहक गीतों को प्रस्तुत कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तथा एक दूसरे को बधाई भी दी। वाणिज्य संकाय के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं से कहा कि आपको विभागीय शिक्षकों द्वारा दीक्षित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन एमकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा ऋचा शर्मा और प्रतीक्षा ने किया तथा आभार ज्ञापन डॉक्टर संजीव सिंह द्वारा किया गया। विभाग के डॉक्टर अमरनाथ तिवारी, डॉक्टर चंडी पांडे तथा श्री दीपक सहनी ने भी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र चौहान, डॉक्टर मुरली मनोहर, डॉक्टर कामिनी सिंह, श्रीमती निधि राय तथा डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह सहित समस्त शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय परीक्षा 24 फरवरी से है। उसके पूर्व कोर्स समाप्त हुआ विभिन्न कक्षाओं का, विभिन्न विषयों का। हर विभाग जो फेयरवेल के या विदाई समारोह का आयोजन कर रहा है, उसका मूल मकसद उस विभाग के द्वारा वर्ष पर्यंत चले कार्यक्रमों की समीक्षा, साथ ही साथ यह भी तय करना कि स्वागत कार्यक्रम में कितने कार्यक्रम हमारे तय हुए थे विभाग के स्तर पर और कितने का नियोजन और आयोजन हुआ। और हमारे जो स्नातक प्रथम द्वितीय या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये अपने वरिष्ठ छात्र छात्राओं को, जैसे स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष को प्रेम पूर्वक जो कुछ इनके बीच रहता है उसको उद्घाटित करते हुए विदाई का कार्यक्रम करती हैं, बच्चे हमारे करते हैं उसको। और ये एक स्वस्थ संस्था का परिचायक है, संस्था के जीवंतता का परिचायक है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी विभाग एक एक करके यह स्वागत का कार्यक्रम
और विदाई का कार्यक्रम नियोजित करते हैं, आयोजित करते हैं, और उसमें एक मर्यादा, एक अनुशासन देखने को मिलती है, और जूनियर और सीनियर जो हमारे बच्चे हैं उनके बीच एक साहचर्य साफ साफ दिखता है, और ये उन बच्चों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी जो जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ संस्था के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।